नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको धाय के फूल यानी धातकी के फूलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक अरिष्ट बनाया था, अर्जुन अरिष्ट, तो उसमें हमने धाय के फूलों का प्रयोग किया था। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये धाय के फूल क्या होते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको धाय के फूल दिखाएंगे और इसके जो फायदे हैं वो बताएंगे। दोस्तों धाय के फूल को संस्कृत में धातकी, ताम्रपुष्पी, सतपुष्पिका और बहुपुष्पा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको गंधवासिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे धाय, धुआ आदि नाम से जाना जाता है। दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु में इसे धातकी नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों धाय के वृक्ष जंगलों में मिलते हैं, मुख्य रूप से ये देहरादून के जंगल में पाए जाते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई 6 से 12 फीट होती है। ये सघन फैला हुआ झाड़ी नुमा वृक्ष होता है जिसकी पत्तियाँ 2 से 4 इंची नुकीली भालाकार आकार की होती हैं और एक दूसरे के सामने आई हुई निकली हुई होती हैं। दोस्तों इसके फूल गुच्छों में लगते हैं, फूल के अंदर भूरे कलर के बीज पाए जाते हैं। दोस्तों इसके जो पुष्प होते हैं वो जनवरी से अप्रैल माह में लगते हैं और जो फल होते हैं वो अप्रैल से मई माह में लगते हैं। जब फल लगते हैं तो पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते निकल आते हैं। दोस्तों धातकी का रस कटु कषाय होता है। इसका जो विपाक होता है वो कटु होता है, वीर्य इसका शीतल होता है और इसका गुण लघु होता है। दोस्तों ये पित्त शामक, कफ शामक औषधि है। इसके अलावा ये उत्तेजक, रक्त स्तंभक, व्रण रोपक और विषहर औषधि होती है। दोस्तों ये परवाहिका, अतिसार, ज्वर, रक्तपरदन, दंत रोग, प्रमेह और गर्भ धारण करने में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस औषधि का एकल प्रयोग नहीं किया जाता, मुख्य रूप से इस औषधि का प्रयोग आसव अरिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों 90% आसव में धातकी के फूलों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों धातकी के फूलों का एक गुण होता है कि ये आसव को खट्टा नहीं होने देती। इसके अंदर 24% टैनिन पाया जाता है, इस वजह से ये आसव अरिष्ट को खट्टा नहीं होने देती, इसीलिए इसको आसव में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने जब अर्जुन अरिष्ट तैयार किया था तो उसमें भी धातकी के फूल डाले थे। इसी तरह जितने भी आसव अरिष्ट हैं उनमें धाय के फूल मुख्य रूप से डाले जाते हैं। दोस्तों धाय के फूल जो कि बहुत ही सुंदर, देखने में मनमोहक होते हैं और इसके पत्ते इस तरह के नुकेले एक दूसरे के सामने निकले हुए होते हैं। दोस्तों इसके एकल औषधीय प्रयोग में अतिसार प्रवाहिका में ये बहुत अच्छा काम करता है। धातकी के फूलों का चूर्ण 3 से 5 ग्राम 2 चम्मच शहद के साथ या छाछ के साथ प्रयोग करने से अतिसार व प्रवाहिका में बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा रक्तस्राव में भी इसको एकल औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। खूनी बवासीर, रक्तपरदर या फिर किसी भी तरह का रक्तस्राव हो उसको रोकने के लिए 1 चम्मच धातकी के पुष्प का चूर्ण और 2 चम्मच शहद के साथ सेवन कराने से बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा आग से जले घाव पर धाय के फूल लगाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसको लगाने के लिए नारियल के तेल में फेंट के इसको घाव पे लगाने से जलन शांत हो जाती है। दोस्तों पर्दर में धाय के फूलों का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। मिश्री मिला के, बराबर मात्रा में मिश्री मिला के पर्दर रोग में इसका सेवन नियमित रूप से करने से 1 हफ्ते में फायदा नज़र आ जाता है। इसके अलावा अगर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी गर्भ धारण नहीं हो रहा हो तो धाय के पुष्प का चूर्ण और नीलकमल के पुष्प का चूर्ण संभाग मिला के ऋतुकाल प्रारंभ होने के 5 दिन पहले से सेवन करने लग जाएं शहद के साथ तो निश्चित फायदा मिलता है। दोस्तों आचार्यों ने इस औषधि के फूलों की गणना आसव योनि औषधियों के भीतर की गई है। दोस्तों ये औषधि आसव में आसव उत्पत्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद मानी गई है। ये आसव को खट्टा भी नहीं होने देती और संघान क्रिया में भी बहुत सहायक मानी गई है। इसीलिए दोस्तों इस औषधि का मुख्य रूप से आसव अरिष्ट में कार्य लिया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।